subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वंडर वर्टिक्स एंड टेक्निक्स में आपको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की सेटेलाइट यूटेलसेट 16 एंड पाक्सेट 38 ईस्ट सी बैंड सेटेलाइट पर है। फ्रेंड्स, आज मैंने इस सेटेलाइट को 4 फीट की डिश एंटीना पर ट्रे कर लिया है और सबसे पहले मैं आपको यूटेलसेट 16 ईस्ट की चैनल लिस्ट दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास यूटेलसेट 16 के सारे चैनल वर्क कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस सेटेलाइट को 4 फीट की डिश एंटीना पे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उसके बाद आप साइड में पाक्सेट 38 ईस्ट को भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे चैनल मेरे पास वर्क कर रहे हैं। मैं आपको एक दो चैनल दिखाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों सेटेलाइट्स को एक ही डिश एंटीना पर ट्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4 फीट की डिश एंटीना होना भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, पहले मैंने इस सेटेलाइट को 6 फीट की डिश एंटीना पर ट्रैक किया था और मैंने दोनों सेटेलाइट्स एक ही डिश पर ट्रैक किए थे। तो आइए, इसके बाद मैं आपको पाक्सेट 38 ईस्ट की डिश एंटीना सेटिंग और LNB सेटिंग दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह देख लें, आपको इन दोनों सेटेलाइट्स के बीच का फासला बिल्कुल इतना ही रखना होगा। मैंने सेंटर पर यूटेलसेट 16 ईस्ट और साइड में मैंने पाक्सेट 38 ईस्ट को लगाया है और आप अच्छी तरह इन दोनों सेटेलाइट्स का डिफरेंस देख लें फ्रेंड्स। और मैं आपको इन दोनों सेटेलाइट्स के बीच का डिफरेंस भी दिखाता हूं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने एक फ़ोटो स्केल ले ली है और आपको ये फासला इंचेस में दिखा रहा हूं फ्रेंड्स। ये देखिए, इस स्क्रू तक आपको दोनों सेटेलाइट्स का फासला 5 इंच रखना होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यूटेलसेट 16 और पाक्सेट 38 ईस्ट के बीच का फासला कितना होना चाहिए। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह इन दोनों सेटेलाइट्स के बीच का फासला रखेंगे तो आपके पास भी दोनों सेटेलाइट्स रिसीव हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसकी चैनल लिस्ट दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये है कोहिनूर चैनल और इसकी टीपी बहुत आसान टीपी होती है। अगर आप पाक्सेट को साइड में लगाना चाहते हैं तो आप इस टीपी को ज़रूर यूज़ करें और अगर आपके पास MPG2 वाला बॉक्स है तो आपको इसके सिग्नल बहुत आसानी से रिसीव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास इस सेटेलाइट के जो चैनल रिसीव हुए हैं मैं आपको 1x1 करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। पहले मैंने इन दोनों सेटेलाइट्स को 6 फीट की डिश एंटीना पर ट्रैक किया था और मैंने आज बड़ी मेहनत करके इन दोनों सेटेलाइट्स को 4 फीट की डिश एंटीना पर भी ट्रैक कर लिया है और मेरे पास यूटेलसेट 16 ईस्ट के सारे चैनल और पाक्सेट के मेरे पास ये देखिए ये चैनल रिसीव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरे पास इस सेटेलाइट के 45 चैनल रिसीव हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ये सारे चैनल आपको इस वीडियो पर दिखाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूटेलसेट 16 और उसी के साथ पाक्सेट 38 को रिसीव करना है तो आप बिल्कुल आसानी से 4 फीट की डिश एंटीना पर इन दोनों सेटेलाइट्स को ट्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों सेटेलाइट्स को सेवन शरीफ पाकिस्तान से ट्रैक कर लिया है और मेरे पास ये दोनों सेटेलाइट्स 4 फीट की डिश एंटीना पर आसानी से रिसीव हो गई हैं फ्रेंड्स, और आपने सबूत के साथ ये दोनों सेटेलाइट्स देखे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी और वीडियो के साथ फिर हाज़र होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।